यदि तुम सपने में कोई प्रेत देखते हो तो समझ लो कि कोई प्रेत तुम्हारे आसपास है। कभी कभी वो प्रेत अपनी उपस्थिति का जबरदस्त एहसास कराने के लिए तुम्हें सपने में ही चोट पहुंचाते हैं, और वो चोट तुम्हें वास्तविक रूप से कई दिन तक परेशान भी कर सकती है। क्या बकवास सुन रहे हो तुम? ये वीडियो चैनल दिन रात यही सब बकवास करते रहते हैं, कुछ अच्छी बातें भी देख लिया करो, अदिति ने सिड को समझाते हुए कहा। सही कह रही हो अदिति, ये सब बकवास सुनने से दिमाग में कई किस्म के भ्रम पल जाते हैं। सिड ने वीडियो चैनल को बंद कर दिया। सुनो, 4 दिन के लिए मम्मी के घर जाना है, तुम खाने का कैसे करोगे? कुछ घर से ही भिजवा दिया करूं या तुम खाना खाने घर ही आ जाया करोगे? अरे यार, मेरे खाने की चिंता तुम मत करो, कुछ ना कुछ हो जाएगा। कभी तुम्हारे घर, कभी स्विगी जिंदाबाद। ठीक है, मैं तुम्हारा खाना तैयार रखा करूंगी, आकर खा लेना या पैक करा कर ले आया करना। 4 दिन की ही तो बात है, तुम चिंता मत करो, सब मैनेज हो जाएगा। अगले दिन चारों ओर अंधकार को देखकर सिड का मन खाने को नहीं कर रहा था, लेकिन अदिति की जिद की वजह से उसे उसके घर 10 किलोमीटर दूर अपनी ससुराल में जाना ही पड़ रहा था। क्या मुसीबत है, कैसा बेवकूफ हूँ मैं भी, शाम को ही खाना खाने निकल जाता तो अच्छा था, अब इतनी रात में घर से निकलना एक बेवकूफी ही थी। सिड ड्राइव करते हुए बरबरा रहा था। सदियों का सीजन होने की वजह से मेन रोड लगभग जाम थी। इस वजह से सिड ने बाईपास से ड्राइव करके ससुराल जाने की सोची थी, लेकिन अब अंधकार की वजह से उसे चिरचिराहट सी हो रही थी। तभी सामने रास्ते में एक बड़ा सा पैर का तना पड़ा देखकर उसकी चिरचिराहट और ज्यादा बढ़ा गई। उसने कार रोककर तना हटाने का निर्णय लिया और कार रोक दी। तना काफी भारी था। जैसे ही उसने वो तना उठाया, सामने काले कपड़े पहने अंधेरे में वो हैवान उसके सामने आ गया। उसका डील-डोल देखकर सिर थोड़ा घबरा गया और पीछे हटा। वो इंसान या हैवान जो भी था, अब सिड के पीछे दौड़ रहा था। रास्ता इतना खराब था कि सिड चाहकर भी तेज नहीं दौड़ पा रहा था। सिड ज्यादा देर न दौड़ सका। जल्दी ही उस हैवान ने सिड को पीछे से पकड़ लिया और उसकी विशाल भुजाएं सिड की छाती पर लगी। उस हैवान की पकड़ इतनी मजबूत थी, सिड उस पकड़ से निकल नहीं पा रहा था। उस पकड़ की वजह से सिड की छाती में भयानक दर्द हो रहा था और उसका दम घुट रहा था। दम घुटने के उन्हीं क्षणों में सिड की आंख खुल गई और उस भयानक सपने का अंत हो गया। सिड के चारों तरफ अंधकार था। सर्दी के मौसम में भी वो पसीने से तरप तर था, और सबसे खतरनाक बात, जहां उस हैवान की बाहें सिड की छाती पर कसी हुई थी, उस जगह अब भी असहनीय दर्द हो रहा था।